मैं इंडिया की सबसे कम उम्र की और पहली लड़की हूँ जिसने 22 इयर्स में अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया। पड़ी जब बात पुकारी, दूर करो प्रभु दुख हमारी, दशरथ की घर जन मेरा, पतित पावन सीताराम। गर्ल है, सब कुछ आप कर लेती है। वैसे ही मैं बोलना चाहूंगी हमारे जम्मू के ये भी एक वंडर मैन है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन्होंने रिहाड़ी में नहीं खोली है, जिम से लेके रेस्टोरेंट तक। ठान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, और यहाँ की जो यूथ है वो जीत के अधिकारी है। जब किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। इनके लिए ड्राइवर बने, इनके लिए गनमैन बने, इनके लिए टीचर बने, इनके लिए जो है सो फोटोग्राफर बने, वीडियोग्राफर बने, पीआर मैनेजर बने, सोशल मार्केटिंग पूरी करे, कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोच बने। हम दोनों शादी हो गए, आज 22-23 साल हो गए, थिएटर कैसा होता हम नहीं देखे। कोई भी बच्चे बनना हो तो माँ बाप का डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे कि ये हमें पता चला हैदराबाद से आए हैं, तो हैदराबाद की बिरयानी तो पूरे इंडिया में फेमस है, तो हमने इनको अपने काठी नेशन की बिरयानी पेश की है। टेस्टी है, ऐसे लग रहा है हैदराबाद में बैठ के खा रही हूँ मैं बिरयानी। जो भी जम्मू में है तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्टिनेशन में आए और ये इस बिरयानी को टेस्ट जरूर करे, बिना टेस्ट करे मत जाना जम्मू से। वो साल था 2000 जब 25 मार्च को हैदराबाद के अश्वनी जायसवाल और भाग्यलक्ष्मी जायसवाल के घर एक लड़की ने जन्म लिया था और लोगों ने कहा कि अब तो सोना बनाना शुरू कर दीजिए। लेकिन अश्वनी जायसवाल तो अपनी बेटी को ही गोल्डन गर्ल बनाना चाहते थे और आज 23 साल बाद वो लड़की इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, पियानो आर्टिस्ट, सबसे कम उम्र में PhD, सबसे कम उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, आंध्र प्रदेश पुलिस की ब्रांड एम्बेसडर और अजारे कितनी उपलब्धियां, कितने खिताब और कितने मेडल अपने नाम कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं वंडर गर्ल नैना जायसवाल की। वंडर गर्ल नैना जायसवाल और उनके भाई गूगल बॉय अगस्त जायसवाल, इन्होंने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है कि भारत के हर बच्चे को इनसे कुछ सीखना चाहिए। इन वंडर किड्स और इनके वंडर पेरेंट्स से मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ जम्मू की वंडर प्लेस में। जी हाँ, जम्मू की वंडर प्लेस यानी रिहाड़ी कोटली कॉलोनी का SR प्लाजा, जहाँ RG फिटनेस जिम, काठी नेशन, ला ट्रायो पिज्जा, नेल आर्ट स्टूडियो, पूल और ना जाने क्या क्या है। तो हुई ना ये भी एक वंडर प्लेस। तो बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए इन सुपर टैलेंटेड बच्चों से ही बात करके जानते हैं कि कैसे बने ये वंडर गर्ल और गूगल बॉय। 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD। कहानी है नैना जायसवाल की। हैदराबाद की वंडर गर्ल नैना जायसवाल और गूगल बॉय अगस्त जायसवाल आज हमारे साथ जम्मू के काठी नेशन में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नैना आपसे बात करते हैं, अगर मैं आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है शाम से रात हो जाएगी, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो आप ये बता दीजिए कि नैना जायसवाल, वंडर गर्ल नैना जायसवाल कैसे बनी? हाँ, सबसे पहले तो मैंने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की और मैं एशिया की पहली लड़की बनी जिसने एग्जाम पास किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। 8 साल की उम्र में 10वीं कक्षा आपने पास की। मुझे लगता है 8 साल की उम्र में तो हम यही देखते थे कि चांद हमारे साथ साथ कैसे चलता है और आपने वहाँ 10th पास कर ली। कैसे हुआ ये सब मैं आपको अचीवमेंट्स बता दूँ। फिर और 10 साल की उम्र में मैंने अपना 12वीं किया और 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में किया और इंडिया की यंगेस्ट जर्नलिज्म ग्रेजुएट बनी। और फिर 15 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन MA पॉलिटिकल साइंस और 16 इयर्स की तब थी मैंने अपना नाम PhD में एनरोल करवाया और मेरा रिसर्च टॉपिक था रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट। PhD में आपकी चल रही? नहीं, PhD मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं इंडिया की सबसे कम उम्र की और पहली लड़की हूँ जिसने 22 इयर्स में अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया। और इसके साथ साथ टेबल टेनिस में मैं नेशनल चैंपियन रही, साउथ एशियन चैंपियन भी बनी, पाकिस्तान में जीता मैंने ये टाइटल। और मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ जिसे हम एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं और टाइपिंग में A to Z सिर्फ 2 सेकंड में टाइप करती हूँ। मुझे रामायण के 108 मान का भी कंटेस्ट है और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस जो है बहुत वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे और नॉट ओनली इन ऑल ओवर इंडिया, UAE, अमेरिका और सिंगापुर, ओमान जैसे देशों में मैंने अपना मोटिवेशनल सेमिनार्स लिए हैं
और इसके साथ साथ मैं एपी पुलिस की ब्रांड एम्बेसडर की तरह भी मैंने काम किया। और आप सबको पता है कि मैं हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद की जो स्पेशल बिरयानी होती है वो भी मैं सिर्फ 25 मिनट में बना सकती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिसेंटली मैंने और मेरी माँ ने, हम दोनों ने मिलके एलएलबी रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो हम दोनों क्लासमेट्स बने और हमारा लॉ ग्रेजुएट हमने कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया, आपने इतनी सारी चीजें बता दी है कि मेरा दिमाग प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये कितनी बड़ी लिस्ट है, ये एक ही इंसान की है। आपने बोला मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, हाँ। लोगों को तो आप मोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर के बनने के पीछे क्या मोटिवेशन है? आप कैसे बनी मोटिवेशनल स्पीकर? इसका श्रेय तो पूरे मेरे माता पिता को जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये है कि मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में और इवन जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, इसमें उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया और मुझे ट्रेनिंग किया है बचपन से ही। जैसे कि वो एक एजुकेशनिस्ट है, तो मुझे केजी टू पीजी सारे सब्जेक्ट्स पापा ने ही पढ़ाए, और टेबल टेनिस में भी वो मेरे कोच है। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया एज एन इंडियन कोच इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो म्यूजिक में भी वो मेरे साथ मुझे गाइड करते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि इज ए ऑलराउंडर, उनकी वजह से मैं ऑलराउंडर बन गई। क्योंकि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जो है प्रोफेशनल पेरेंटिंग, उसको उन्होंने अपनाया है, और बचपन से हम दोनों को होम स्कूलिंग करवाया, और मेरी मदर ने भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है, तो वो बचपन से, मतलब मम्मी पापा दोनों भी लाइक 24/7 वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। आपने बोला रामायण के 108 मंत्र आपके कंठस्थ है, कुछ सुनाना चाहेंगे? ये एक 108 मान का है जिसमें से मैं कुछ आपको सुना। भीड़ पड़ी जब बात पुकारी, दूर करो प्रभु दुख हमारी, दशरथ की घर जन मेरा, पतित पावन सीताराम, विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप शिवचन सुनाए, संग में भीजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। तो इस तरह वो पूरा रामायण पूरा कंप्लीट होता है। बहुत बढ़िया, आपने कहा कि आप दोनों हाथों से लिख लेती हैं, तो ये आप पहले से करती थी या थ्री इडियट्स में बोमन ईरानी को देखने के बाद आपने सोचा कि मैं भी दोनों हाथों से? नहीं, ये तो मैं पहले से करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा कैलीग्राफी में भी वो बहुत एक्सपर्ट है। तो जैसे कि मैं टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, तो टेबल टेनिस बहुत, मतलब वर्ल्ड का सेकेंड फास्टेस्ट गेम है, तो हम जो हम हैंड राइटिंग लिखते हैं वो हम अपने हाथों से नहीं, अपनी ब्रेन से लिखते हैं। तो दोनों हाथों से लिखने से हमारे जो एंटिसिपेशन लेवल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, ऐसे बहुत महान लोग हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। तो वैसे पापा ने मुझे ट्रेन किया कि मैं कोई भी काम करूँ उसमें दो हाथ यूज करूँ, जैसे दोनों हाथों से लिखना, दोनों हाथों से खेलना। आपने जितने भी लोगों का नाम लिया मुझे उनमें से कभी किसी से मिलने का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं देख सकूं दोनों हाथों से कैसे लिखते हैं, लेकिन आज वंडर गर्ल हमारे सामने है तो मुझे लगता है सब देखना चाहेंगे आप दोनों हाथों से कैसे लिखती हैं। जो आपने लिखा है बहुत बढ़िया, मैं तो इसे ऑटोग्राफ की तरह हमेशा संभाल के रखने वाली हूँ। थैंक यू। आपने कहा आप ये सब कुछ कर लेती है, हमने सुना है कि आपको पॉलिटिक्स से भी काफी ऑफर आए हैं, तो उसमें रुचि रखती है? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स साइड। अभी तो मेरा एम्बिशन है कि मैं अभी स्पोर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, वो मेरा पहला प्रायोरिटी है, और उसके बाद मेरा एम्बिशन है कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ और यूपीएससी क्रैक करूँ। नैना पियानो भी बजाती है? हाँ, पियानो प्लेयर हूँ। नैना एज इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, नैना दिखती है दोनों हाथों से, नैना बिरयानी बना लेती है, यंगेस्ट पीएचडी स्कॉलर है, लेकिन नैना ये सब चीजें लोगों को आपके बारे में पसंद है, लेकिन इनमें से कौन सा पार्ट है जो नैना को खुद का बहुत पसंद है? नैना एज पियानो प्लेयर, नैना एज टेनिस प्लेयर, मैं जो कुछ भी करती हूँ सब मुझे पसंद है, क्योंकि कोई चीज अगर, हाँ, कोई चीज पसंद नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब अगर पैशन है तो ही हम कोई चीज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने शेयर नहीं किया था, मुझे ना तांजोर पेंटिंग जो होती है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने रिसेंटली, आप मेरी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देख सकते हो, मैंने तिरुपति बालाजी की एक पेंटिंग बनाई है जिसमें जो कि बहुत नोन एज तांजोर पेंटिंग,
तो वो मेरा एक जिसमें लाइक हम गोल्ड फॉइल को यूज करके हम वो बनाते हैं, तो वो मेरा सबसे मतलब फेवरेट हॉबी है। ऐसा कुछ है जो नैना नहीं करती है? हाँ एक चीज है, मतलब डांस करना नहीं आता। नहीं, आप वंडर गर्ल है, सब कुछ आप कर लेती है। वैसे ही मैं बोलना चाहूंगी हमारे जम्मू के ये भी एक वंडर मैन है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन्होंने रिहाड़ी में नहीं खोली है। जिम से लेके रेस्टोरेंट तक हर चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके जम्मू में। RG फिटनेस क्लब देख, जैसे कि हमने मतलब देखा है नीचे से लेकर रेस्टोरेंट भी है जो कि मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि लाइक विच अवॉइड्स द जंक फूड एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड एंड नॉट ओनली मतलब एक स्पेशल फीचर यहाँ की है एक्वेटिक एरोबिक्स जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत ही एंजॉय करते हुए हम वर्कआउट कर सकते हैं जिसमें, और जिम यूजुअली हर जगह सिर्फ जिम होता है लेकिन यहाँ पे आप जिम एंड स्पा भी है जिस जिम में लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कार्डियो कैलिस्थेनिक्स बहुत सारी चीज है। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी जगह है कोई भी अगर अपने फिजिकल फिटनेस के लिए या फिर डाइट को जो बहुत चेंज करना चाहते हैं और उसमें अच्छे से करना चाह रहे हैं, लेकिन इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर देम आई कैन से। अगस्त आपकी सिस्टर के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना था और आपके बारे में भी हमने कम नहीं सुना है, तो सबसे पहले ये जो आप भी कर रहे हैं बहन को देख के लगा कि मैं भी ऐसा करूंगा या पेरेंट्स का सपोर्ट था मोटिवेशन था? एक्चुअली जो मैंने किया और मेरी बहन नैना जसवाल ने किया वो सब बच्चे कर सकते हैं, और मेरे पेरेंट्स का मानना है कि ये टैलेंट जो है सब बच्चों में होता है, बस पेरेंट्स को उसे आइडेंटिफाई कर उन्हें टाइम देकर उन्हें ट्रेनिंग करना। आप कह रहे हैं कि बाकी बच्चे भी ये कर सकते हैं जी, तो जम्मू के सब लोग जब ये वीडियो देखेंगे उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सब बच्चों को, सारा यूथ ये वीडियो देखेगा? मैं सारा यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, और यहाँ की जो यूथ है वो जीत के अधिकारी हैं, और जब किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है, और ऐसे इतिहास रचने वालों में से ही मेरे माता पिता है। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो मोबाइल फोन्स में, जैसा कि हम मोबाइल फोन्स का गुड यूज भी होता है, जैसा कि हम न्यूज देखना चाहिए, जन नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, और कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो हमें मोबाइल फोन की मोटिवेशनल वीडियोस भी मोबाइल फोन पे देखनी चाहिए जी, तो गुड यूजर्स भी होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो हमें गुड यूजर्स पर फोकस करनी चाहिए, और उसके बदले में जैसा कि RG फिटनेस जिम है तो हमें ऐसा बहुत सारे जिम्स है तो हमें जिम जाना चाहिए और फिटनेस करना चाहिए, जैसा कि मैं और मेरी बहन हम भी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, जैसा क्योंकि फिटनेस एक्टिविटी करने से ब्रेन भी इम्प्रूव होता है, तो हम कार्डियो करते हैं, एंड्योरेंस एजिलिटी कैलिस्थेनिक्स भी करते हैं। तो अगस्त कैसा लगा जम्मू स्पेशली यहाँ आकर RG फिटनेस और कार्डियो नेशन में आकर कैसा लगा? तो RG फिटनेस और जो RG फिटनेस क्लब है ये यहाँ पर यूथ के लिए इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर यूथ इन जम्मू टू डू मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक जिम है, स्पा है, स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर बहुत सारे चीज है जो यूथ के लिए काम आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके माता पिता से बात करना चाहूंगी। सर, जैसे अगस्त ने कहा कि इतिहास उन्होंने नहीं उनके माता पिता ने रचा है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर इन दोनों ने इतिहास रचा है तो आपने भी रचा है। वंडर पेरेंट्स कहलाने का हक आप भी रखते हैं। कैसे आपने अपने दोनों बच्चों को घर में ही पढ़ाया और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली? एक्चुअली मैं हकीकत बताऊं तो मैं एजुकेशन में करीब करीब 35-40 साल काम किया, हजारों बच्चों को पढ़ाया, जिसमें हिंदुस्तान के नामचीन क्रिकेटर्स बड़े बड़े लोग उनके बच्चे भी मेरे पास पढ़े, लेकिन मैं इसको पढ़ाया मैं उसको पढ़ाया बोलने से कोई मीनिंगलेस है। वो लोग बोलते कि भाई अपने बच्चों को क्या करें, तो जैसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जैसा भाई साहब खुद अपनी बॉडी बनाए फिर जिम डाले, तो ये बोल सकते हैं कि भाई इनकी बॉडी है और ये जिम चला रहे हो तो इज एंटाइटल फॉर दिस थिंग, खुद करके करना कोई बड़ी बात है। तो वैसे मैं भी मैना को तैयार किया, स्कूल बंद किया, मैंने स्कूल रनिंग स्कूल बंद किया, अगर आज कंटिन्यू करता होता तो मेडिकल कॉलेज चलाता था, तो स्कूल बंद किया, सब बंद करके इनके फंक्शंस दावत शादी घूमना सब बंद करके 24/7 एक ही प्रोग्राम 1 पॉइंट प्रोग्राम, इनके लिए ड्राइवर बने, इनके लिए गनमैन बने, इनके लिए टीचर बने, इनके लिए जो है सो फोटोग्राफर बने, वीडियोग्राफर बने, PR मैनेजर बने, सोशल मार्केटिंग पूरी करे, कोई चीज ऐसी नहीं, कोच बने, मैं 110 किलो में डेली 10,000 बॉल खिलाता हूँ, तो ऐसा कोई काम नहीं रहा जो मैं नहीं करा, या ऐसा कोई काम नहीं रहा इनकी माँ नहीं करी। जैसे मैं फिटनेस लैकिंग है मेरा क्योंकि मैं पहलवानी करता था,
तो मुझे खेलना नहीं आता था, मैं खेलना सीख के उसको सिखाया। इवन जब ये लॉ कर रही थी ये कंपनी करी, जब ये जर्नलिज्म में, एक्चुअल क्या है जर्नलिज्म में आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली जो जर्नलिज्म के अंदर दो कोर्सेस आए, फोनेटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे टाइम पे नहीं थे तो वहाँ पर लेक्चरर्स भी नहीं थे, तो मैं पीजी करा जर्नलिज्म से करके, फिर ये जैसे ग्रेजुएशन में आते कि इसको ट्रेनिंग करना चालू कराया। तो बहुत सारा सेक्रीफाइस रहा, हम दोनों शादी हो गए, आज 22-23 साल हो गए, थिएटर कैसा होता हम नहीं देखे आज तक, फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, कोई भी न्यूज में। तो इसके पीछे क्या है, कोई भी बच्चे बनना हो तो माँ बाप का डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर से सब बन सकते, आप अभी एक क्वेश्चन करें कि मोटिवेशन के पीछे क्या रीजन है, तो मैं इसको बचपन में, आप बोले कि 8 साल में कैसा 10th लिखी, जब ये 5 साल की थी तो 5 साल की उम्र में उसको हम क्या करते थे बोले तो आई क ग वर्णमाला सिखा कर बिना मात्रा के शब्दों में पैराग्राफ लिखते थे, अब घर चल हट मत कर, समझे ना। तो वो पैराग्राफ को मैं इसको रटाता था, रटा के कोई भी आए तो बुलवाए तो लोग मजाक समझते थे। तो लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि ऐसा बोलते बोलते उसके बाद क्या किया उसको मैं आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा के अक्षर, फिर त्योहारों के बारे में, नवरात्रियों के बारे में पैराग्राफ बना के देता था और वो बोलना चालू करी तो आज ये बोलने के लिए जानी जाती है। तो लोग बेसिक सिखाया मैं, फिर उसके बाद सेम बेसिक्स इंग्लिश में कराया, सेम बेसिक्स तेलुगु में कराया। जब उसको एक बार समझ में आ गया तो बच्चे बहुत सारे रट के पढ़ते, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, रटना नहीं चाहिए, बच्चे समझ कर अपनी भाषा में खुद से लिखना चाहिए। तो ऐसा दोनों का भी सेक्रीफाइस रहा, खास तौर पर जब नैना पैदा हुई तो 3 साल की उम्र में जब लोग मेरे घर पे आके ताना मारते थे, जब छोटा सा घर था मेरा, कि बेटी भी सोना खरीदो, तो मैं बोला सोना तो खरीदतो नहीं, बेटी को सोने की बनाता हूँ। तो हम दोनों ने क्या करे बोले तो छोटा, मैं आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं सब चीजें, तो जब मैं क्या किया नैना को और अगस्त्य को हम दोनों मिलकर गोल्डन गर्ल बनाएंगे बोल के डिसाइड करें, और टचवुड मैं जब पाकिस्तान में साउथ एशियन चैंपियन बनी, ईरान में गोल्ड मेडल जीती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर कई गोल्ड मेडलिस्ट जीते, तो गोल्डन गर्ल के नाम से प्रचलित हुई साउथ इंडिया में, तो वो बड़ा गर्व महसूस होता। तो लोगों के कहीं कहीं ऐसे भी थे, लड़की पैदा होने से मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन आज मैं चाहे कहीं भी चले जाओ, आज मैं आपके सम्मुख भी इतना बड़ा चैनल के उसके सामने मैं आज बात कर रहा हूँ, बोले तो नैना का पापा है बोलकर नैना के पीछे मेरे को भी वो क्रेडिट मिल रहा है। तो एक बेटी के बाप के नाते और एक बेटे के बाप के नाते भी जो है जो पहचान मिल रही है, खुद की पहचान से ये पहचान मिलना बहुत सौभाग्य समझते हम लोग। और ऐसे बच्चे सब आपके माध्यम से आपसे बात करने का वन ऑफ द रीजन क्या है बोले तो यहाँ पर सब बच्चे बन सकते, कंडीशन क्या है बोले तो माँ बाप हम जैसे होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए, थोड़ा डेली कम से कम फादर और मदर आधा आधा घंटा नहीं तो एक एक घंटा बच्चों के साथ 1-to-1 टाइम देना चाहिए। हम तो 24/7 दिए, मैं अभी हम जैसा मैं अमेरिका में गए एक जगह ऐसी भाई साहब जैसे भाई साहब यहाँ पर आए सुख सुविधा हमारे राजेश भाई सब सुख सुविधा देते, तो न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क में सब सुविधा है मेरे को, मतलब गाड़ी सब 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 प्रोटोकॉल है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर दुनिया की मशहूर आइसक्रीम बिकती, लेकिन बच्चों को बचपन से आइसक्रीम नहीं खिलाए हम, तो ये नहीं खाए तो हम भी फिर मौका मिलता नहीं मिलता अमेरिका पता नहीं तो आइसक्रीम भी नहीं खाए हम। तो ऐसा हुआ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो सैक्रीफाइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लोग बोले अरे तुम उतनी बड़ी जगह गए वहां पर तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खाए, तो भाई क्या करते बच्चों को आदत नहीं डाले चॉकलेट आइसक्रीम की बचपन से, तो हम भी नहीं खाए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर दूसरों के बच्चों को पढ़ाना है, किसी को कुछ कहना है, तो सबसे पहले अपने घर में वो एग्जांपल खड़ी करो। जैसे आपने कहा कि एक पिता के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात ये होती है कि वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाए, और आज जब आपको लोग कहते हो कि वो वंडर गर्ल और गूगल बॉय के पिता जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे लगता है कि आपने जो भी बातें अभी कही वो सारे इंडियन पेरेंट्स को देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप यहाँ बैठे हैं काठी नेशन में, आपके पीछे इंजीनियर रेवंत गुप्ता जी खड़े हैं, इन्होंने भी यहाँ एक वंडर जगह मुझे लगता है बनाई है, तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बता रहा हूँ ना, इटसेल्फ आदमी बनकर अगर जब बताता है लोगों को तो उसका मजा ही अलग रहता है। ये खुद अपना स्वास्थ्य भी बनाए, इंजीनियर भी बने, यहाँ पर नॉट ओनली डाइट ये सब चीजें ना हो के भी ये इनको देखने से ऑटोमेटिक मैं भी एनर्जेटिक हो गया, काफी थका हुआ था, अभी मेरे को फिर धर्मशाला जाना है, वहां पर भी एक प्रोग्राम है, तो हम लोग इनको देख करके एनर्जेटिक हो जाते, तो ऑब्वियसली जब इनके स्टूडेंट्स आएंगे तो इनको देखकर और एनर्जेटिक होंगे, और कोई जैसे मेरे जैसे खाने वाला भी आदमी इनको डरेगा देख करके, भाई सोच समझ के खाना है, तो ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट। आए हैं आपको पूरा जब घूमने का मौका मिलेगा या नहीं वो मैं नहीं जानती, लेकिन आप अगर यहाँ खड़े होकर देखेंगे आरजी फिटनेस में खड़े होकर, तो आपको पूरा जम्मू शहर यहाँ से नजर आएगा। मुझे लगता है ये जम्मू से तो ऐतिहासिक चीज क्या है बोले तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखता है बोल के सुना है मैंने, तो उसको देखने के लिए यहाँ से मैं खास तौर पे वेट कर रहा हूँ कि लाइट आने के बाद उसका बाउंड्री पूरा दिखता है यहाँ से,
तो एक देखना पसंद करूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके जी, थैंक यू वेरी मच। रेवन जी, आज हैदराबाद की वंडर गर्ल और गूगल बॉय आपके यहाँ आए हैं, आपके लिए तो सौभाग्य की बात है, हम जम्मू वालों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, तो क्या खातिरदारी आप इनकी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कश्मीर समाचार का, जिन्होंने इतना बढ़िया हमारा कवर किया है, और जो हमारे बीच में ऐतिहासिक बच्चे जो कहते हैं कि इंडिया के बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, तो इनकी खातिरदारी में हमने अब ये हेल्दी है, मेरे को पता चला कि ये आइसक्रीम चॉकलेट कुछ नहीं खाते तो हम अपने रेस्टोरेंट के इनको क्या खिलाएं, तो हमने अपने हेल्दी मेन्यू में से कुछ स्मूदीज उठाई हैं। ये हमारी स्मूदीज हैं जो कि बिल्कुल ना इसमें दूध है ना इसमें पानी है, और ये प्रॉपर ऑर्गेनिक स्मूदी जो कि इटालियन स्मूदीज के नाम से जानी जाती है, जो मुझे लगता नहीं जम्मू में कहीं मिलेगी, जो हमने अपने काठी नेशन में लॉन्च की है हेल्दी बच्चों के लिए। तो ये सब हेल्दी बच्चों के लिए है, कभी हम भी आएंगे तो हमें भी आप पिलाएंगे? आपको भी पिलाएंगे, हम आपको जंक फूड में भी कुछ ऑफर करेंगे, और जैसे कि ये हमें पता चला हैदराबाद से आए हैं, तो हैदराबाद की बिरयानी तो पूरे इंडिया में फेमस है, तो हमने इनको अपने काठी नेशन की बिरयानी पेश की है, आप देखते हैं इनके रिव्यूज कैसे आते हैं खाने के बाद। तो अगर ये काठी नेशन की बिरयानी को अप्रूव कर देते हैं हैदराबाद से आकर, तो फिर तो पूरे जम्मू को बिरयानी खाने यही आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेवन जी आपका। थैंक यू मैम। हैदराबाद के लोग यहाँ आए हैं, उनको बिरयानी सर्व कर रहे हैं, वैसे तो मुझे खुद डर लग रहा है पूछते, लेकिन कैसी बिरयानी है, सच सच बता रहा? नहीं, सच में बता रही हूँ, बहुत टेस्टी है, ऐसे लग रहा है हैदराबाद में बैठ के खा रही हूँ मैं बिरयानी, बहुत ही बढ़िया है, मतलब पूरे मार्क्स मिलते हैं। यस, 100 out of 100। जम्मू के जो लोग यहाँ बिरयानी खाने आना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हैदराबाद अप्रूवल मिल रहा है ना आज? हाँ, तो जो भी जम्मू में है तो डेफिनेटली यहाँ पे काठी नेशन में आए और ये इस बिरयानी को टेस्ट जरूर करे, बिना टेस्ट करे मत जाना जम्मू से। रैना और अगस्ते की मदर हमारे साथ हैं, वंडर मॉम है आप भी, तो ये बाकी मदर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बोलना चाहती हूँ कि सेम थिंग जैसा उनके पापा ने बोले कि सब बच्चे बन सकते, बट स्पेशली मैं मदर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग टाइम दीजिए उन लोगों को, और बच्चों को प्लेफुल एटमॉस्फेयर में एवरीथिंग स्टडीज कराइए, मॉरल्स फाइनेंशियल वैल्यूज एवरीथिंग आप लोग है ना हंसते खिलते उन लोगों को समझाना चाहिए, और उन लोगों को आपकी जो ख्वाहिश है विशेष है बच्चों पे ढकलना नहीं है कि आपको ये बनना है वो बनना है, जिसमें जो फील्ड में उन लोगों को इंटरेस्टेड है आप उन लोगों को एंकरेज करिए, और ऐसा नहीं हम एंजॉय करेंगे आप लोग पढ़ो कुछ बन के दिखाओ, ये गलत है। तो मैं भी नैना गस्तिया के साथ बचपन से बहुत टाइम स्पेंड करती थी, और जंक फूड टोटली अवॉइड करी, न्यूट्रिशियस फूड देती थी मैं, और बच्चों को ऐसा नहीं हम मेहनत करें आप एंजॉय करो, ये गलत है। मैं मानती हूँ कि उन लोगों को बचपन से एवरीथिंग फाइनेंशियल वैल्यूज और नो लग्जरीज ये देने से कि बच्चों को बचपन से एवरीथिंग क्या एडुकेशन में या मॉरल्स में उन लोग सीखते कि देखिए आप अच्छी भी गुड थिंग बैड थिंग स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से स्टार्ट होता है, जैसा मम्मी पापा अच्छे काम करे तो बच्चे भी सीख लेते, अगर वहाँ पर उन लोग कोई जंक फूड खाए तो घर से ही जंक फूड स्टार्ट हो जाता है, कंटेमिनेशन भी घर से शुरू होती है, इसलिए आप अच्छे काम करेंगे तो बच्चे सब कुछ वंडर के बन सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, तो ये जम्मू की मदर्स आपने इनसे ले ली है। बिल्कुल, थैंक यू।